गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया जो हमारा सीटेट का रिजल्ट आया था, इसको लेके ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो डिले हो जाएगा या रोक लगा दी जाएगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के एंड से कोई फैसला ऐसा नहीं आया है, तो उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सीटेट से रिलेटेड मार्कशीट और रिजल्ट आया हुआ था, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो पब्लिक नोटिस करके एक ये 10 तारीख को ही रिलीज हुआ है। तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो रिजल्ट डिजी लॉकर पे अपलोड ना होने की बात थी, जो वहाँ पे आना था सर्टिफिकेट हमारा, उसके रिगार्डिंग ही नोटिस है। आप डेट देख सकते हैं, तो इसमें डेट जो दे रखी है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे, ये 10 तारीख का नोटिस है, ये 10 तारीख का नोटिस है जिसमें ये बताया गया है, जिसमें सारी बातें ये बताई गई है कि कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने लोग पास हुए, और आपको कब तक डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से जब रिजल्ट आएगा, उनका फैसला आएगा, तब फिर आप देखेंगे 28 दिसंबर से 7 फरवरी 23 तक जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसको डिजी लॉकर पे अपलोड करने के लिए प्रयास यही कि वो शॉर्टली अपलोड हो। तो आप वहां से तो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस है कि कितने पेपर वन में अपीयर हुए थे, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, और उसमें आप अपने वेबसाइट पे जाके इस चीज को देख सकते हैं। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि हमारे रिजल्ट अपलोड होंगे नहीं होंगे, या हम लोग अगर क्वालिफाई किए हैं और जो सर्टिफिकेट है वो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग सीटेट की साइड सीबीएसई की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। तो आप इसको आप एक तरह से श्योरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, लेकिन आप उन्हें डिजी लॉकर में अपना जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड हो जाएगा, और इसके लिए भी वो जब नोटिस आएगा तब हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको तो जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड keep studying, and all the best for future. Thank you so much.